आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी की सृजनहार पिता, इस मौका के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपके पवित्र और सत्य वचन को सीखने जा रहे हैं। हमें समझने के लिए बुद्धि दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह के दोस्तों, नए नियम में छठवीं आज्ञा के बारे में क्या कहता है? सवाल एक, अब दुष्टों को दंड देने के लिए किसे उत्तरदायी माना गया है? रोमियों 13:1-4, हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार हैं वे परमेश्वर के ठहरे हुए हैं। इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का विरोध करता है, और विरोध करने वाले दंड पाएंगे, क्योंकि अधिपति अच्छे काम के नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। क्या तू अधिपति से निडर रहना चाहता है? तो अच्छा काम कर और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी, क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। परंतु यदि तू बुरे करे तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं और परमेश्वर का सेवक है कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वाले को दंड दे। तो इसके जिम्मेदार अधिकारियों और अधिपतियों को दिया गया है। रोमियों 13:4 में यहाँ तक कि उससे परमेश्वर का ठहराए हुए अधिकारी और अधिपति कहता है। हत्या की शुरुआत कहाँ से होती है? पढ़ें मत्ती 5:21-22। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह मरासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। 1 यूहन्ना 3:15। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। हत्या की शुरुआत बैर और क्रोध से होती है। शुरू से ही हत्यारा कौन था? पढ़ें यूहन्ना 8:44। तुम अपने पिता शैतान से हो, और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन पुछूट का पिता है। शुरू से ही हत्यारा शैतान है। यदि यीशु का राज्य इस संसार का होता तो उसने क्या कहा होता कि उसके सेवक क्या करते? यूहन्ना 18:36। यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस जगत का नहीं। यदि मेरा राज्य इस जगत का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता, परंतु अब मेरा राज्य यहाँ का नहीं। कहता है यदि यीशु का राज्य इस संसार का होता तो उसने यह कहा कि उसके सेवक लड़ते कि वह यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता, परंतु उसका राज्य इस जगत का नहीं है। जब पतरस ने तलवार से अपने स्वामी को रक्षा करने की कोशिश की तो यीशु ने उससे क्या कहा? पढ़े मत्ती 26:51-53। तब यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान काट दिया। तब यीशु ने उसे कहा, अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नाश किए जाएंगे। क्या तू नहीं समझता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह सरदूतों की बड़ा सैन्य दल से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा? यीशु के अनुसार हमारे पिता जो स्वर्ग में है उसके साथ हमारे पहचान क्या है? पढ़े मत्ती 5:44-45। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिसे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी पर मेघ बरसाता है। पुराने नियम के समय में मौत की सजा वाले अपराध, वे अपराध ये हैं जिनमें लोकतंत्र के तहत मृत्युदंड का प्रावधान था, पर एक वह जो मनुष्य को तब तक मरता है जब तक वह मर न जाए। निर्गमन 21:12। नंबर 2, पिता या माता को श्राप देना। निर्गमन 21:17। नंबर 3, एक बैल का मालिक जो जानता है कि उसका बैल खतरनाक है लेकिन उसे अपने पास नहीं रखता और बैल एक व्यक्ति को मार देता है। नंबर 4, एक परिचित आत्मा वाला, एक जादूगर, एक डायन। निर्गमन 22:18 और लेव्यवस्था 20:7। नंबर 5, परमेश्वर के अलावा किसी भी देवता के लिए बलिदान देना। निर्गमन 22:20।
नंबर 6 जिसने मोलेक को अपने बच्चे बलिदान देता था, लेविवस्था 20:1-5। नंबर 7 व्यभिचार, लेविवस्था 20:10। नंबर 8 अन्य देवताओं की पूजा करना, व्यवस्था विवरण 17:1-5। नंबर 9 एक जिद्दी ढीठ और विद्रोही बेटा, पेटू और शराबी, व्यवस्था विवरण 21:18-21। नंबर 10 एक आदमी को चुराना और उसे बेचना, व्यवस्था विवरण 24:7। इस पर विचार करें दोस्तों। नंबर 1 घृणा और बदले की भावना शैतान से उत्पन्न हुई है और उसने अपने परमेश्वर के पुत्र को मार डालने के लिए प्रेरित किया। जो कोई ईर्ष्या या निर्दयता को मन में रखता है वह उसी भावना को मन में रखता है और उसका फल मृत्यु तक होगा। नंबर 2 हत्या सबसे पहले दिमाग में होता है। जो घृणा को अपने मन में स्थान देता है वह हत्यारे के मार्ग पर अपने पैर रख रहा है। नंबर 3 जो लोग किसी कथित उकसावे पर क्रोध या नाराजगी प्रकट करने के लिए स्वतंत्र महसूस करते हैं वे शैतान के लिए अपना हृदय खोल रहे हैं। यदि हम स्वर्ग के साथ सामंजस्य स्थापित करना चाहते हैं तो हमें अपनी आत्मा से कड़वाहट और शत्रुता को दूर करना होगा। नंबर 4 परमेश्वर हमें एक आत्मा के अपमान में कहे गए एक शब्द के लिए भी जिम्मेदार ठहराएगा जिसके लिए मसीह ने अपना जीवन दे दिया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आमीन।